एक बार एक पक्षी समुद्र से बार बार पानी बाहर निकाल रहा था। तभी दूसरा पक्षी आकर कहता है, भाई तुम यह क्या कर रहे हो? तभी पहला पक्षी जवाब देता है, इस समुद्र ने मेरे बच्चे निगल लिए हैं, अब मैं इसे सुखा कर रहूंगा। तभी दूसरा पक्षी कहता है, भाई यह तुमसे कैसे हो पाएगा? तुम इतने छोटे और यह समुद्र इतना विशाल, तुम्हारा इसमें पूरा जीवन लग जाएगा। तभी पहला पक्षी कहता है, देना है तो साथ दे, सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनते पहला पक्षी उसके साथ लग जाता है। ऐसे करते करते हजारों पक्षी आ जाते हैं और एक दूसरे को कहते हैं, देना है तो साथ दे, सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा देखकर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी भी यह काम करने चल पड़ते हैं। तभी विष्णु जी कहते हैं, गरुड़ तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम चले जाओगे तो मेरा सारा काम रुक जाएगा और कहाँ इन पक्षियों से यह समुद्र सूखने वाला है। यह सुनकर गरुड़ जी कहते हैं, प्रभु देना है तो साथ दे, सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या, विष्णु जी भी समुद्र सुखाने चल पड़ते हैं और यह देखकर समुद्र डर जाता है और उस पक्षी के बच्चे लौटा देता है। पांच ऐसे जानवर के बच्चे जो सबसे सुरक्षित स्थानों पर रहते हैं। नंबर वन, एक हॉर्नबिल के बच्चों का पालन किसी खोखले पेड़ के अंदर होता है और मादा हॉर्नबिल खोखले पेड़ के द्वार को बंद भी कर देती है ताकि किसी जीव को कानो कान इसकी खबर ना हो कि पेड़ के अंदर बच्चा पल रहा है। नंबर टू, एक डस्की स्विफ्ट का पालन झरने के पीछे स्थित दीवारों पर होता है जो सभी की नजरों से छिपा तो होता ही है, पर इस झरने के पानी को पार करने की साहस कोई शिकारी नहीं कर पाता। नंबर थ्री, बिग माउथ हैप अपने बच्चों को बचाने के लिए उसे अपने मुंह के अंदर छिपा लेती है। नंबर फोर, शायद ये आप जानकर चौंक जाएंगे कि एक मगरमच्छ अपने अंडों की देखभाल के लिए बेबी सीटर के स्थान पर एक पक्षी को रखती है। नंबर फाइव, गिलहरी अपने बच्चे को बचाने के लिए उस पर सांप की केचुली लपेट देती है ताकि दूसरे जीव की नजर इस पर ना पड़े।